संत पॉल स्कूल तेघड़ा में फायर लैस कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय 29 जून शनिवार 2024 को संत पॉल पब्लिक स्कूल तेघड़ा में महीने के अंतिम शनिवार को बैगलेस डे पर कक्षा प्रथम से पंचम तक के छात्र छात्राओं के लिए एक रोमांचक फायर लेस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कुकिंग विदाउट फायर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने बिना किसी फायर सोर्स के शानदार व्यंजन तैयार करके अपने पाक कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ और रचनात्मक खाना पकाने के तरीकों को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को आग के स्रोत का उपयोग किए बिना फलों सब्जियों अनाज और डेयरी उत्पादों जैसी विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने की चुनौती दी गई। विद्यार्थियों ने आसान और त्वरित व्यंजनों का उपयोग करके ककड़ी रोल हरी सलाद सब्जी सैंडविच स्विस रोल मैंगो शेक ब्रेड केक और झाल मुरही जैसे कई अन्य स्वस्थ और स्वादिष्ट व्यंजन व विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार किए। उन्होंने एक कलात्मक और सौंदर्यपूर्ण तरीके से व्यंजन परोसे जो सबसे आकर्षक रहा और उनका प्रदर्शन स्वाद कलियों को गुदगुदाने वाला रहा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न पाठ्यक्रमों की लगभग 17 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षिका कविता कुमारी व कंचना कुमारी के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं का निर्णय प्राचार्य डॉक्टर विनय अनुभवी शिक्षिकाओं ने कीर्ति प्रिया रीना कुमारी और विद्यालय समन्वयक राम कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया जिन्होंने व्यंजनों का मूल्यांकन उनके स्वाद प्रस्तुति और पोषण मूल्य के आधार पर किया। प्रतिभागियों के प्रयासों से निर्णायक अभिभूत हो गए और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच परिणाम घोषित किए गए। इस प्रतियोगिता में सबों की दिश प्रशंसनीय रही। वहीं कक्षा षष्ठम से लेकर अष्टम के बीच शिक्षक पवन कुमार विक्की कुमार और अनुपम कुमार के नेतृत्व में राकेश कुमार सुजीत मिश्रा और म्यूजिक शिक्षक प्रफुल्ल कुमार के सहयोग से कैलेंडर मेकिंग और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कैलेंडर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य रहा है बच्चों में आर्ट और कला को बढ़ावा देना है, जबकि क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य है बच्चों में मानसिक विकास के साथ साथ प्रतियोगी भावनाओं को जागृत करना है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर विनय ओझा ने इस विषय पर अपने संदेश में कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिना लो आग के पकाए गए भोजन के पोषण मूल्य स्वस्थ भोजन की आवश्यकता और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और विद्यार्थियों को जंक फूड से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों ने टीम वर्क की भावना पाक कौशल खाना पकाने में कड़ी मेहनत की सराहना करना सीखा। गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और रुचि के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना भी था। उन्होंने विद्यार्थियों के सफल प्रयासों की सराहना भी की। स्टार्ट करते हैं रेडी ओके In St. Paul's Public School, we organized a bagless day, which was from classes nursery to class 8. And in this bagless day, हमने दो activity पे ध्यान दिया। पहला 1 to 5 class के लिए जो थी आपका fireless cooking। Fireless cooking actually it preserves our environment। इससे हम न्यूट्रिएंट्स जो फूड की होती है वो हम बचा सकते हैं अगर हम फूड को ज़्यादा गर्म ना करें तो ज़्यादा उबाले नहीं तो। चिल्ड्रन लर्न टुडे हाउ टू प्रिपेयर डिशेज एंड वंडरफुली डिशेज कॉफी शेक मैंगो जूस आपका देन आपका सैंडविच झाल मुड़ी वेज सैंडविच देन बहुत सारे ऐसे सैलड।